नमस्कार, रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। जी हां, चुनाव के वक्त में ही, चुनाव से पहले कह सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो एनडीए से अलग हो गई थी। लेकिन इस बीच नीरज बबलू, जी हाँ, बिहार सरकार में मंत्री हैं बीजेपी कोटे से नीरज बबलू, उनका बयान सामने आया है। नीरज बबलू ने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बता दिया है। अब इस बयान को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है और एनडीए के अंदर ही घमासान छिड़ गई है। जीतन राम मांझी सामने आए हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने बड़ा बयान दिया है इस मसले को उठाते हुए, नीरज बबलू के इस बयान को उठाते हुए। जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का विरोध करने वाले नेता एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का विरोध किया। चिराग पासवान का समर्थन करने वाले नेता नीतीश मोदी विरोधी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नीरज बबलू के इस बयान को आधार बनाते हुए जीतन राम मांझी हमला बोलते नजर आए, और जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ कह दिया है कि नीरज बबलू जो है वो नीतीश मोदी विरोधी है, नीतीश मोदी विरोधी करार दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, सुन लीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का विरोध करने वाले नेताओं की एनडीए में कोई जरूरत नहीं है। चिराग पासवान जी ने खुले मन से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध किया। यहां तक कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एनडीए के प्रत्याशियों को हराने का काम किया और महागठबंधन के कैंडिडेट्स को जिताने का काम किया। वैसी स्थिति में जो नेता चिराग पासवान जी का समर्थन करते हैं, हमें लगता है कि वो निस्संदेह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के दुश्मन हैं। चिराग पासवान जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। ऐसे नेता का किसी भी स्थिति में हम समर्थन नहीं कर सकते। तो आपने सुना, दरअसल सहयोग कार्यक्रम में जनता की समस्या से रूबरू होने के बाद मंत्री नीरज कुमार बबलू पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच उनसे स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने और बीजेपी नेताओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में शामिल होने की बात पर सवाल पूछा गया। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि चिराग पासवान से किसी नेता की कोई भी नजदीकियां बढ़ सकती है, ये अलग बात है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और आगे भी रहेंगे। मंत्री के इस बयान के बाद से बिहार की सियासत गर्म है। आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था और अकेले ही मैदान में कूद पड़े थे, जिसके बाद से चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि नीरज बबलू ने एक बार फिर से कह दिया है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। तो अब इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म है, एनडीए के भीतर घमासान छिड़ गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।